यहाँ क्यों लाया मुझे? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मिस्टर अरोड़ा, मायसेल्फ एसीपी शुक्ला, रेडी? चाय लेकर आओ। सर अभी आसपास नहीं मिलेंगे सर। डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बिना चाय के भी काम करना पड़ता है। तुम लोगों को तो ऐसा हाथ में मिलता है ना? हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे याद आने की? मम्मी का दूध 7 साल की उम्र का होने तक पिया, इसलिए मेरे होठ और हिम्मत दोनों बड़े। मेरी गर्लफ्रेंड्स कहती है मुझसे कि मेरा होठ काफी सेक्सी है ना? क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? एक फोन लगाऊंगा ना। दिमाग मेरा खराब है, अपने लीगल बिजनेसेस के पीछे छुप के ड्रग्स का धंधा करता है, और दिमाग मेरा खराब है। सॉरी अरोरा, मेरे को ना एंगर इश्यूज है, इसीलिए तू इस पूछताछ में मुझे जितना कम गुस्सा दिलाएगा उतना तेरे लिए बेहतर होगा, समझा? MD, चरस, कोक, इन सब का सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर तू है। तू मेरे पास है, तुझे तो मैं अभी खत्म कर दूं, पर तू ठहरा बीच का दल्ला। मुझे इंटरेस्ट है तुम्हारे कार्टल के हेड में, किंग पिन में, और तेरे बाद के डिस्ट्रीब्यूशन चेन उसमें। तो कार्टल का हेड कौन है? कार्टल के हेड के बारे में हम में से किसी को जानकारी नहीं है। He's a ghost। बात रही डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन 4 ठिकानों से होता है। माल पहले इन 4 जगह उतरता है और वहां से सारे आगे डीलर्स के पास। ठिकाना बता। पहला ठिकाना गिट्टी खदान के आगे, गोरेवाड़ा जंगल ट्रेल के अंदर, गवर्नमेंट का खाली कॉटेज। इतनी छानबीन तो हम भी कर रहे थे, भूसड़ी गए। जैन सर, वही लोकेशन जो हमने पिन पॉइंट की थी, गोरेवाड़ा वाली। ओके सर। आदमी और आर्म्स? हमें लगा था इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं होगा। 2 लोग होंगे आर्म्ड ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ। 2 लोग आर्म्ड ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ? जी सर। न्यूट्रलाइज करके कॉल करो, देख के जाना। ओके सर, आई एम ऑन इट। तो अब कर लेते हैं थोड़ा इंतजार। अरोड़ा, वो नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है, नार्कोस, देखिए तूने? नहीं। देख लेता तो अच्छा था, काम आता तेरे। पैसे आ गए,
लेकिन अक्कल नहीं। बीच गेम में से फोन। जैन सर, द लोकेशन इज न्यूट्रलाइज्ड। गुड। पैसे और माल कितना मिला? सर 30 लाख कैश और करीब 2 करोड़ का माल है। मेरे 5 लाख साइड रख देना और बाकी टीम में हिसाब करके बांट देना। यस सर। माल को चला दो, नो नीड टू रिपोर्ट दिस। ओके। यस सर। जैन। क्या साहब, पैसे चाहिए होते तो हमें बोल देते हैं, ये तो चिल्ला रहे हमारे लिए। बोलो कितना चाहिए। कपड़े उतार। व्हाट? बड़े उतार। उतार दो वरना बहुत मार खाऊं। मैं तेरे पैसे का घमंड मेरे लैंड पे मादर छोड़। जान पे खेल के मेहनत से कमाए हुए पैसे है वो, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे खरीद सकता है, समझा? समझा गांडू। गुस्सा 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 वेरी बैड टाइम। सॉरी यार, फिर से गुस्सा आ गया मुझे। खैर छोड़, बीत गई सो बीत गई सो बात गई, बीत गई सो बात गई। तो आगे बोल बाकी ठिकानों के बारे में। अगला ठिकाना सरदार की आरा मशीन में कोसा बाग। बाकी दो ठिकानों के बारे में मुझे पता नहीं, वो हाल ही में बदले जा चुके हैं। इन ठिकानों के बारे में सिर्फ विकी को पता था और उसको भी शेट्टी गैंग के लोगों ने उठा लिया। साउथ इंडियन मार्केट में माल बेचने की कोशिश कर रहा था, उसे यहीं नागपुर में रखा है। विक्की को तेरे एरिया में रखा, तेरे एरिया से उठाया तो हमला करके छुड़ा लेता, इतना तो छूतिया नहीं है तू। विकी को शेट्टी गैंग के लोगों ने धर्मपुर के रेसिडेंशियल एरिया में रखा है। यहाँ कोई भी कांड होता तो हम लोग लाइमलाइट में आ जाते, और ये हमारे काम करने का तरीका नहीं है। सच बोल रहा है ना? अभी विक्की भोसड़ी वाले को ढूंढना पड़ेगा। मादर छो, यस सर। अगला ठिकाना सरदार की आरा मशीन में कोसा बाग। ओके सर। 4 लोग आर्म्ड, देख के जाना। ओके सर। चलो यस सर। हाँ, 2 लोगों की टीम लेके धर्मपेट पहुंच। ओके सर, ऑन माय वे। आ रहा हूं मैं तेरी छूती है विक्की को लेके। ध्यान रखना इसका। जी सर।
मायसेल्फ एसीपी शुक्ला। अभी अरोरा के धंधे में उंगली कर रहा हूँ, इससे पहले तुम्हारे धंधे में उंगली करूँ? अरोरा का आदमी विक्की तुम्हारे पास है, उसे चुपचाप से मेरे हवाले कर दो। गाड़ी में इसको। थैंक यू। देख कर रहा है, बैठ मादर चोद, कुर्सी लाऊं तेरे लिए? विक्की से मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया गाड़ी में। तो विक्की फटाफट बोलो, नहीं तो लाल कर देंगे तुम्हारी डिक्की। अरोरा का कहना है कि बाकी दो ठिकानों के बारे में तुझे पता है। हाँ सर, बताता हूँ। हमारा प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट? ये तो पत्ते खोल रहा है, सीक्रेट्स। बोल। हमारा प्रोडक्शन यूनिट वाड़ी से 6 किलोमीटर आगे एक पुरानी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, वहाँ है। मुंबई से सारा माल वहीं आता है। 60% माल कोलंबियन मार्केट से शिप के जरिए आता है, और बाकी रॉ मटेरियल से 40% माल का प्रोडक्शन वहीं फैक्ट्री में होता है। चरस की सारी खेप MPO छत्तीसगढ़ से आती है, वो सारी खेप भी हमारे कंट्रोल में है। बाकी दो ठिकाने हैं। अरोरा का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन के और दो ठिकाने जिसके बारे में तेरे को पता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के बारे में आपको साजिद बता पाएगा, जो कि आपको वहीं फैक्ट्री में मिलेगा। गेम खेल रहा है मेरे साथ? हाँ नहीं साहब, वो जब शेट्टी गैंग ने मुझे उठाया तब मैं नया लोकेशन नहीं ढूंढ पाया था, तो वो काम मेरी जगह साजिद ने किया होगा। जा रहा हूँ प्रोडक्शन यूनिट पे। जो तूने बोला उसमें से कुछ भी छूट निकला तो वापस आकर मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, सारी, समझा? बांध इसको। यस सर। आप लोगों को शॉर्ट नोटिस पर बुलाया है। इन लोगों के पीछे हम काफ़ी टाइम से पड़े थे, आपको पता है। पर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। एंड द रीज़न इज़ कि अगर बैकअप मंगाया तो पॉलिटिकली इन सालों को फिर से संरक्षण मिल जाएगा, और हमारा इतने दिन का काम, इट हैज़ टू लुक लाइक अ गैंग वॉर। अंदर लोग हमसे ज़्यादा आर्म्ड है, बेटर आर्म्स, बट हमारे जितने ट्रेन नहीं है। अभी भी ऑप्शन है, तुम में से किसी को जाना है तो जा सकते हो। आई हैव 5 seconds फॉर यू। एज एक्सपेक्टेड, टेक द राइट साइड फ्रॉम द लेफ्ट। तुम दोनों मेरे पीछे आ रहे हो। नन सर। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए, और हम में से एक भी आदमी को कुछ होना नहीं चाहिए। यस सर। कम।
बात करो। पहुंच गया वो रेसिपी वहां पे? हाँ वो अभी भी अंदर गया है। धमाका कर दो, आवाज आनी चाहिए उसके मौत की। ओके एसीपी को लगा था कि मैं सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, पर उसको क्या पता था कार्टेल का हेड मैं हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरा और प्रोडक्शन भी मेरा, और शेट्टी से तुझे छुड़ाना भी ज़रूरी था, वो भी एसीपी ने बड़े आसानी से कर दिया, बिना कोई नुकसान के तू बाहर। और वो शुक्ला जो महीनों से मेरे धंधे में उंगली कर रहा था, वो दुनिया से बाहर। कुत्ता मर गया, कुत्ते की मौत। Serious October, but he wants it funded. Could be the scope for him saying that. That's it. दे रहा हूँ रास्ते में। क्या था कर? ठीक है, थैंक यू अरोरा साहब। But Sahas Polat. Stimmen. Rifki. क्या बोला था मैंने तेको? कि अगर तूने इतना सा भी झूठ बोला तो मैं तेरी सारी सारी चक्रिया तोड़ पे। अरे अरोरा एक चीज तो भूल गया, मैंने बोला था सारी बिटिया, गर्दन की तो बच गई। अच्छा
बैठ बैठ तो यार कूड़ा अबे प्लानिंग के छोदे इतना तो दिमाग लगा था कि जो आदमी तेरे पास छोड़ूंगा वो कोई भरोसे वाला ही होगा। मैं कार्टेल के लिए हेड को ढूंढ रहा था और वो छुपिया तो यही निकला। मुझे मार के क्या मिलेगा सर? सर मुझे मार के क्या मिलेगा? तुझे मार के मिलेगी शांति और शांति मुझे बहुत पसंद है।